अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समरीन कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चावल की एक बहुत ही टेस्टी टिक्की कह लें या फिर स्नैक्स कह लें। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है बहुत ही बारीक चॉप कर लें इसे टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज और धनिया की पत्ती। यहाँ मैंने लिया है एक बोल जिसमें डालूँगी मैं चावल का आटा, एक कप है चावल का आटा। उसके बाद जो चीज़ें हमने चॉप किए हुए थे उसे डाल देंगे इसमें। पानी की बोतल है, उसके बाद इसमें डालें, सारा बैटर ट्रांसफ़र करेंगे। ये सब जब तैयार हो जाए उसके बाद आपने पैन प्रीहीट करना है, उसमें डाल देना है जितने पैन में आ सके, ऊपर से एक साइड हो जाए। फिर उसमें ऑयल लगाएं, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएं, बहुत थोड़ा, एक साइड हो जाए, पक जाए। फिर आपने साइड्स को चेंज कर देनी है, दोनों तरफ अच्छे से पक जाए, दोनों तरफ अच्छे से ऑयल लगाए थोड़े थोड़े। जब ये क्रिस्पी करारे हो जाएंगे फिर हम इसे फटाफट निकाल लेंगे। देखिए ये स्लो फ्लेम पे एकदम मैंने पकाया है, इसे फास्ट नहीं करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाए। ये तैयार है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप इसे अब सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी या सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े का बना था। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारी नई नई वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।